जन वितरण दुकान में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने छापेमारी कर दुकान को किया सील, रजिस्टर भी किया गया जब्त। आपको बता दें, धनबाद जिले के जोड़ा पोखर थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 38 के जामाडोबा बाबूबासा स्थित माँ अम्बे सहायता समूह द्वारा संचालित जन वितरण दुकान को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार ने छापेमारी कर दुकान को सील कर दिया है। वहीं जन वितरण के दुकान से सटे आटा चक्की को भी सील किया गया। मीडिया से बात करते हुए एडीएम चंदन कुमार ने बताया कि कार्रवाई का मुख्य मकसद जो है, हमारे पास एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई, उसके अनुसार से ये बताया गया कि माँ अम्बे इनका जो पीडीएस दुकान है, इसी से डाइवर्ट करके इन्हीं नाम से एक आटा चक्की मिल चलाई जा रही है, वहीं पे गेहूं वगैरह को डाइवर्ट कर रही है। ये सूचना प्राप्त हुई। अभी हमने जब आकर के देखा है तो इसमें दो तीन बिंदु ऐसे मिले हैं जिसपे और जाँच की आवश्यकता है। सबसे पहला बिंदु तो ये है कि इनके पास स्टॉक रजिस्टर नहीं है, जबकि एक्ट के अनुसार से जहाँ तक हमारी जानकारी है, स्टॉक रजिस्टर हर एक पीडीएस दुकान को मेंटेन करना है। तभी हमें समझ में आया कि वास्तव में इनके पास अभी इतना स्टॉक है तो क्यों है और क्यों नहीं है। और जो फ़ोन पे एडीएम एसओआर एडीएम सप्लाई द्वारा बताया गया या डीएसओ द्वारा बताया गया कि दिसंबर का राशन ऑलरेडी चला गया है और जनवरी का भी लगभग प्रक्रिया में है कि लगभग सभी को राशन मिल गया है, मगर ये लोग अभी भी नवंबर का राशन बांट रहे हैं। इनके पास अभी 36 बोरे चावल स्टॉक में है, गेहूँ एक जरा सभी स्टॉक में नहीं है, तो ये एक संशय का विषय बनता है। इसी प्रकार से अगर हम इनकी आटा चक्की मिल की जब हमने जाँच की तो इसमें इनके पास 110 बोरा गेहूं रखा हुआ है, मगर ये गेहूं कहां से प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया, किस दुकान से प्राप्त किया, इसका बिल इनके पास नहीं है। इन्होंने एक जो बिल दिखाया है वो अप्रैल 2019 का है, जो कि काफ़ी पुराना है, वो भी बहुत कम अमाउंट का है। तो इन सब चीज़ों की हमें छानबीन करने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीएस का गेहूं एक्चुअल में बटने के बजाय यही आटा चक्की मिल पे पहुंच रहा है और उसी से आटा चक्की मिल करके, अगर ऐसा वास्तव में हो रहा है तो समझिए कि सरकार को कितनी रेवेन्यू की और कितना नुकसान हो रहा है। आम जनता को जिनको पीडीएस का मिलना चाहिए उनको तो नुकसान हो ही रहा है, सरकार का ही समझिए कि वो एक रुपये के हिसाब से आ रहा है, यही गेहूँ बटने के बजाय घूम करके आटा चक्की मिल में अगर पहुँच रहा है और वही आटा फिर बाज़ार में बिक रहा है, समझिए कि कितना बड़ा नुकसान पूरे समाज को सरकार को हो रहा है। तो ये एक जांच का विषय। दूसरा बिंदु जो निकल करके आया है, जो और भी महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आया है कि शायद सभी को जानकारी नहीं होगी और मुझे भी जानकारी नहीं थी कि कोरोना पीरियड में थंब इम्प्रेशन का यूज करने के बजाय ओटीपी बेस्ड सिस्टम शुरू किया गया था, ताकि आप ओटीपी बेस्ड करके ले सके, आपको बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना ना पड़े, संक्रमण रोकने के हिसाब से किया गया।